यहाँ पे यू कैन बाय कॉफी। कप्स लगे होते हैं, प्राइसेस लिखा होता है, जो चाहिए ले लो और बिलिंग करा लो। हाउ इज इट? फर्स्ट ईयर इन थाईलैंड कॉफी। हेलो, ऑप्शन से क्रूसों में ग्लव भी है। वॉफल्स है? ओ यस, रेजन वॉफल्स। चॉकलेट कस्टर्ड केक सैंडविच है। देयर इज या विल। यहाँ कोई पुलिस चेक पोस्ट है, आई डोंट नो। हमारी गाड़ी को, टैक्सी को एक्चुअली रोक दिया, तो पता नहीं, देखते हैं कितनी देर रुकना होगा यहाँ पे। एंड टैक्सी ड्राइवर को इंग्लिश आती नहीं है, तो हमें थाई समझ नहीं आ रही है। से निकल गए हम लोग, 10 मिनट लगा वहाँ पे। एंड जितना ड्राइवर जी से समझ आ रहा है, नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक ही मीन्स कि वी जस्ट वांटेड सम ब्राइब। यस, स्ट्रीट मार्केट टाइप। एक्चुअली खुद ड्राइव करके आने से यही फायदा होता कि हम लोग कहीं भी रुक सकते थे, लेकिन लोचा ही हो गया। स्टिकर वीजा मिला नहीं, दुनिया भरती का रिक्वायरमेंट था उनका। एंड स्टिकर वीजा मिले बिना आईडीएल नहीं मिलता, क्योंकि आईडीएल का रिक्वायरमेंट है कि वीजा चाहिए, और आईडीएल बिना यहाँ पे यू कांट ड्राइव। बट यहाँ के लिए जितना सुना है कि आपको गाड़ी या टू व्हीलर मिल जाता है इंडियन लाइसेंस पे, बट दैट्स नॉट लीगल। ये कंपनीज दे देते हैं आपको स्टिल ऑन योर ओन रिस्क। कार नहीं देता, सिर्फ टू व्हीलर्स दे देता है, बिकॉज कार्स आर यूजुअली ऑल बिग कंपनीज लाइक सिक्स थर्ड्स, सो दे डोंट गिव इट। बट अपना एयरपोर्ट का सब कुछ स्मूथ था और फास्ट। एंड वो जो एक्सप्रेस वीजा नहीं लिया हम लोग, वो टाइम आराम से यूटिलाइज हो गया। मतलब हम लोग को फ्रेशन अप तो होना ही था वहाँ पे। करेक्ट, यस। पर एक ही फ्लाइट का लोग था वहाँ पे, मतलब देयर वाज नो अदर फ्लाइट। हाँ, अपने टाइम पे कोई फ्लाइट ही नहीं आया। अपना फ्लाइट भी खाली था, हम लोग फ्लाइट में मोटा मोटी सब लोग सो सो के आया, तो बेसिकली 1/3 फ्लाइट फुल था। आधा टाइम तो यू वर नॉट देयर ओनली, तुम था कहाँ फ्लाइट में? हम पीछे एक सीट में जाके सो गया था। एंड मेरे को एक बार लग रहा है कि चला कहाँ गया, फिर हमको लगा फ्लाइट से कहाँ कूदेगा, तो कहीं तो फ्लाइट में होगा। तो 1/3 ही फुल था, और उतने ही लोग इमिग्रेशन एंड वीजा ऑन अराइवल में थे, तो बे मतलब का वो लोग एक्सप्रेस में लाइन लगवा रहा था। इनफैक्ट बाद में तो एक्सप्रेस में ज़्यादा भीड़ हो गया था, और काउंटर नंबर 3 जो रेगुलर है वो खाली पड़ा हुआ था। बट बिकॉज दे हैव टू सेंड एक्सप्रेस कस्टमर्स फर्स्ट, उसी लिए हम लोग को वो लोग आधा घंटा बैठाया, एंड दे डिड द फॉर्मेलिटीज इन द बैक एंड। एंड वंस दे गेव अस द वीज़ा, मतलब पासपोर्ट, उसमें वीज़ा स्टैम्पिंग वगैरह सब हुआ हुआ था। सो माई सजेशन इज कि डिपेंड करता है आप कौन से सिटी से आ रहे हैं उस समय, और कौन कितना फ्लाइट आ रहा है, कितना रश है। अगर रश दिखता है देन गो फॉर एक्सप्रेस वीज़ा, अदरवाइज गो फॉर द नॉर्मल वीज़ा। 200 baht बचे हैं, और अगर आप बड़े ग्रुप में तो सिग्निफिकेंट पैसा हो जाएगा, लाइक इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 4-5 तो सीधा 2500 रुपया बच जाएगा।
फर्स्ट पैसेंजर हम लोग था. वीजा काउंटर, वीजा फॉर्म एवरीवेयर, वी वर द फर्स्ट. चेक इन से हम लोग फर्स्ट था, चेक इन में वी वर द फर्स्ट पर्सन टू चेक इन. फिर वहाँ पे फ्लाइट में वी टुक सीट नंबर रो नंबर 5, तो वहाँ से उसके आगे भी सब खाली पड़ा हुआ था क्योंकि वो सीट्स फुल ही नहीं था. तो फ्लाइट से भी हम लोग फर्स्ट निकला. वीजा ऑन अराइवल में हम लोग फर्स्ट पहुँचा फॉर्म भर के. इनफैक्ट हम लोग जब काउंटर पे पहुँचा तो वो बोलता है ऑलरेडी डन, मतलब उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना जल्दी हम लोग काउंटर पे आ गया. मतलब वी वर ऑल प्रिपेयर्ड कि अपने घर से 2 पेन लेकर आए थे, दोनों जन फटाफट फटाफट फॉर्म भरे. एंड वहाँ पेन नहीं था एक्चुअली बास्केट में. तो ये सब प्रायर एक्सपीरियंस से आता है ना कि अपना पेन वेन लेके चलना चाहिए. प्रायर एक्सपीरियंस तो रहने तो 2 महीना से एकदम थाईलैंड छाट रहे. ये सब चीज कोई वीडियो में थोड़ी बोल रहा है कि पेन लेके जाओ. Come on, ये तो नहीं, नॉट पेन लेके जाओ, बट इमिग्रेशन में टाइम लगता है, भीड़ है. बट एक्चुअली एकदम खाली था, सब खाली था. अच्छा लोकैलिटी लग रहा है, गोवा जैसा फील आ रहा है. Bob said that.